पहले तो कहते ब्रह्मा कुमारी सी कहती थी कि ये ब्रह्मा कुमारी तो बस विनाश विनाश लगा रहा है। अब दूसरे कह रहे हैं अच्छा कब होगा भाई, अब समय ऐसा बदला है कि अब दुनिया में दूसरे कह रहे हैं कि हाँ अब तो सही में अब तो, पहले केवल लोग कहते थे कि इनको ब्रह्मा कुमारी इसको तो खाली हाँ यही यही बोलते हैं, अब वही कहते हैं कि अच्छा कब होगा भाई अब। मीन्स इतना समय देखो प्रैक्टिकल बदल गया है। तो आप सब भाग्यशाली हैं, भगवान ने ऐसी अच्छी बुद्धि दी है आप लोगों को कि आप सब यहाँ पर आते हैं बैठते हैं। बाबा के बच्चे तो खैर अपना भाग्य बना रहे हैं, लेकिन मैं अन्य आत्माओं को भी कह रहा हूँ जो संबंध संपर्क के हैं, आधा घंटा एक घंटा, मैं केवल एक ही बात कहता हूँ सबको कि आप आधा घंटा एक घंटा आप अपना समय इन्वेस्ट करो। कोई पूछे ना आपको कहाँ जाते हो, भाई आधा घंटा मैं वो इन्वेस्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ पे बैठता हूँ। मैं कहता हूँ हर एक को कि आप बैंक में जैसे रखते हैं तो आपको साल में इतना ब्याज मिलता है या कुछ भी मिलता है, आप यहाँ पर केवल आधा घंटा एक घंटे का टाइम इन्वेस्ट करो। सोचो 24 घंटे में मुझे आधा घंटा एक घंटा मुझे टाइम देना है बस, और कुछ नहीं। आप इन्वेस्ट करो ये आधा एक घंटा, जैसे बीज बो रहा हूं मैं, आप देखो उसका रिटर्न क्या मिलेगा। कर सकते हैं, कोई मुश्किल है? आप ये सोचो मुझे आधा घंटा जाना है, 15 मिनट मुरली सुननी है, 15 मिनट बाबा के कमरे में बैठना है बस। 23.5 घंटे में ऐसे वातावरण में रहता हूँ, आधा घंटा एक घंटा सुबह से लेकर रात तक हमारी माताएं बहनें बच्चों के लिए पति के लिए घर के लिए सब कुछ कुछ करते हुए, क्या आधा घंटा एक घंटा मैं खुद के आत्म कल्याण के लिए, खुद की सदगति के लिए, अपने परलोक के लिए क्या मैं खुद पे कृपा नहीं कर सकता हूँ? 24 घंटे में 23 घंटे आप सबको दो, आधा घंटा एक घंटा क्या इस चीज के लिए मैं ये टाइम क्या इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ? आप इन्वेस्ट करो, एक साल के बाद आपको उसके कितने गुना रिटर्न है ये गारंटी, गुना तो वो मैं गुना भी नहीं बता सकते हम, इतने गुना रिटर्न है। आई वेल में और कुछ काम नहीं आएगा, और किसी के भी साथ कुछ भी होता है, मैं आपको अहमदाबाद की एक बहन की बात बता रहा हूँ, खड़ी है सब्जी लेने गई है हमारी अपनी बहन, एक मोटरसाइकिल वाया उड़ा दिया, एक लड़का मोटरसाइकिल में उड़ा दिया, पूरा उसका फ्रैक्चर, एक साल वो बेड पे रही, सब कुछ बदल गया उसके बाद, ना बैठ सकती है ना कुछ, पति से भी मन मुटाव क्योंकि घर के काम करना मुश्किल, एक साल वो एक सेकेंड में लाइफ बदल जाएगी, एक सेकेंड में सब कुछ बदल जाता है। हम अभिमान में रहते हैं कि अरे मैं तो तन से भी, मैं तो परिवार मेरा, मैं तो क्या ज्ञान सुनना, क्या अभी ये हमारे, हमको तो मौज करनी, अभी हमें तो कमाने का टाइम है, अभी तो हमारा ये टाइम है, है ना। एक सेकेंड में लाइफ बदलती है, एक सेकेंड में पूरी जीवन बदल जाती है ना। तो इसलिए हमेशा सहज भाव से अपने पे कृपा करनी है, सुना अनसुना नहीं करना है। हम आए बैठे सुने, लेकिन कोई ना कोई दृढ़ संकल्प करके जाना है। अभी आज इतनी सभा है सुंदर, क्या ये सभा रोज आधे घंटे एक घंटे का टाइम नहीं निकाल सकती है? हाथ उठाइए, निकाल सकते हैं अपने लिए, हमारे लिए नहीं अपने लिए, है ना। बस तो दृढ़ संकल्प करें।
बस तू।